नमस्कार, मैं हूं सबा खान राही और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। कोविड 19 महामारी के बीच भारतीय मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों की मदद करने के लिए फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने दिवंगत पिता व फिल्म निर्माता यश जौहर के नाम पर एक फाउंडेशन की शुरुआत की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि यश जौहर फाउंडेशन का गठन फिल्म उद्योग में काम कर रहे लोगों की वित्तीय देखरेख, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा उन्हें कौशल प्रशिक्षण देने के लक्ष्य से किया गया है। आपको बता दें कि अगले शनिवार को फिल्म निर्माता यश जौहर को ये दुनिया छोड़े 17 साल हो जाएंगे। उनकी याद में उनके बेटे निर्माता निर्देशक करण जौहर ने शुक्रवार को एक फाउंडेशन की स्थापना का ऐलान किया। ये फाउंडेशन भारतीय मनोरंजन जगत के लोगों का जीवन स्तर सुधारने में हर संभव सहायता करने के संकल्प के साथ शुरू हुआ है। फाउंडेशन फिल्मों में काम करने वाले कर्मचारियों, तकनीशियों व कलाकारों से संबंध संगठनों के साथ मिलकर योजनाएं बनाएगा और इन्हें मदद पहुंचाएगा। महामारी के दौरान इसके अलावा भी धर्मा प्रोडक्शन विभिन्न संगठनों के माध्यमों से फिल्म कर्मचारियों की मदद करता आ रहा है। अपने पिता की याद में बने यह जौहर फाउंडेशन के बारे में करण ने कहा, मेरे पिता की याद में बना ये फाउंडेशन उनकी विरासत को आगे ले जाएगा। ये फाउंडेशन स्थापित करने में मुझे गर्व की भी अनुभूति हो रही है। इसका उद्देश्य भारतीय फिल्म जगत के लोगों का जीवन स्तर सुधारना होगा। करण जौहर ने यह भी कहा कि उनके पिता ये समझते थे कि फिल्म कारोबार के क्षेत्र में रहना कठिन है, इसलिए उन्होंने फाउंडेशन की घोषणा की है ताकि फिल्म उद्योग से जुड़े लोग जो कोविड-19 से बेहद प्रभावित हुए हैं उनके भोजन, आश्रय, दवा की व्यवस्था की जा सके। आपको बता दें कि अपने पिता के निधन के बाद करण जौहर ने अपने पिता की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस का कार्यभार संभाला और तब से ये कंपनी लगातार तरक्की ही करती रही है। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया 1 मिनट हमारे साथ।